हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सेल के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले एक बहुत ही कमाल के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एक्सेल से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मैं आप सबके लिए लाता रहता हूँ। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर आप जैसे कि ये सभी डेट्स देख सकते हैं, इन सभी डेट्स में जहां जहां पर आपको सैटरडे या फिर संडे मिलेगा, उन सभी डेट्स को आपको हाईलाइट करना है। तो दोस्तों, है ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आपको कंडीशन के बेस पर हाईलाइट करने के लिए बोला जाए, आपको हमेशा कंडीशनल फॉर्मेटिंग की ही हेल्प लेनी है। लेकिन हम इसे नॉर्मल कंडीशनल फॉर्मेटिंग से सॉल्व नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये है कि हमें यहाँ पर सैटरडे या फिर संडे के बेस पर हाईलाइट करना है, और इन डेट्स में हमें सैटरडे संडे तो कहीं मिल ही नहीं रहा। ये तो हमें अलग से फॉर्मूला लगाकर सैटरडे और संडे कैलकुलेट करना होगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो एक ऑप्शन होता है ना, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, हम उस ऑप्शन का यूज करेंगे। लेकिन उस ऑप्शन को यूज करने के लिए हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। मैं उस ऑप्शन में डायरेक्टली वो फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा। मैं सबसे पहले यहाँ पर इसी शीट में आपको वो फॉर्मूला टाइप करके बताऊंगा कि वो किस तरह से काम करेगा, और फिर हम उसी फॉर्मूला को सिंपली कॉपी करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर उसको पेस्ट कर देंगे। आई होप आपको ये सभी स्टेप समझ आ गए होंगे। मैं चाहूँ तो सिंपली कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर वो फॉर्मूला टाइप कर सकता हूँ, लेकिन आपको वो समझ नहीं आएगा। आपको समझाने के लिए ही मैं सबसे पहले उस फॉर्मूला को सबसे पहले इसी शीट में टाइप करूंगा, जिससे कि अगर आपको वो एक बार समझ आ गया तो आप उसे इजीली समझ कर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर टाइप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरी इंटरव्यू क्रैकर प्लेलिस्ट की वीडियोस को देख रहे हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके एक्सेल से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, और आपने जो मेरी प्लेलिस्ट है ना एक्सेल फॉर बिगिनर्स, उसकी भी वीडियोस देखी हुई है। इसका मतलब आप एक्सेल में बिगिनर नहीं है। दोस्तों, आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का फंडा तो पता ही है। उसमें आप वही फॉर्मूला लगा सकते हैं जिसका आउटपुट एक लॉजिकल वैल्यू हो, यानी कि या तो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो। तो इसी वजह से हम यहाँ पर एक ऐसा फॉर्मूला टाइप करेंगे जो हमें सिर्फ उसी कंडीशन में ट्रू आउटपुट देगा अगर इन डेट्स में कहीं पर भी या तो संडे आता है या फिर सैटरडे आता है, और अगर इन डेट्स में से किसी भी डेट पर संडे या फिर सैटरडे में से कुछ भी नहीं आता तब ये फंक्शन हमको फॉल्स आउटपुट देगा। दोस्तों, इस तरह का आउटपुट हमें कौन सा फंक्शन दे सकता है? थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाइए। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा कौन सा फंक्शन है। वो फंक्शन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, और अगर आपका जवाब है कि वो फंक्शन है और फंक्शन, तो आप बिल्कुल सही है दोस्तों। और फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो हमें सिर्फ उसी कंडीशन में ट्रू आउटपुट देता है जब दो कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है, और वो दो कंडीशन तो आपको पता ही है कि इस डेट पर या तो सैटरडे होना चाहिए या फिर संडे होना चाहिए, और इन दोनों में से कोई भी अगर एक कंडीशन ट्रू होती है तो और फंक्शन हमको ट्रू आउटपुट देगा, और अगर इन दोनों कंडीशन में से दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं, सिर्फ उसी कंडीशन में और फंक्शन हमको फॉल्स आउटपुट देगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो चलिए मैं आपको इसे प्रैक्टिकली करके बताता हूँ, तब आपको थोड़ा और ज्यादा समझ आएगा। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ इक्वल्स टू और ब्रैकेट। अब इसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है लॉजिकल वन, यहाँ पर हमें हमारी फर्स्ट कंडीशन देनी है। अब आप फटाफट बताइए कि हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या थी? यही थी ना कि इस डेट में सैटरडे है या नहीं। लेकिन इस डेट में आपको कहीं पर भी सैटरडे दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अब किसी भी डेट में से डे, मंथ या ईयर निकालने के लिए कौन सा फंक्शन होता है? मैं आपको वो फंक्शन भी करा चुका हूँ। वो फंक्शन है टेक्स्ट फंक्शन। तो देखा दोस्तों, इस प्लेलिस्ट की वीडियो से आपके पुराने सभी फंक्शंस की रिवीजन भी हो रही है। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ टेक्स्ट ब्रैकेट वैल्यू में इसी डेट को सिलेक्ट कीजिए कॉमा। अब यहाँ पर फॉर्मेट टेक्स्ट में हमें वो टाइप करना है जिससे हमें ये पता लग जाए कि इस डेट पर कौन सा डे है। इसके लिए आपको यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में 3 बार डी टाइप करना है इस तरह से। अब मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और आपको इसे एक बार इवेलुएट करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसने हमें संडे के लिए SUN आउटपुट दिया। अगर आप यहाँ पर टेक्स्ट फंक्शन में फॉर्मेट टेक्स्ट में 4 बार डी टाइप करेंगे तो ये संडे की पूरी स्पेलिंग यहाँ पर देगा, SUNDAY इस तरह से। लेकिन हम फिलहाल 3 लेटर से ही काम चला लेते हैं। अब यहाँ पर टेक्स्ट फंक्शन में से हम ये तो पता लगा लेंगे कि इनमें से किस डेट पर कौन सा डे है, लेकिन क्या वो डे सैटरडे या फिर संडे है या नहीं, इसके लिए हमें यहाँ पर इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में सैटरडे लिखना होगा इस तरह से। मैंने यहाँ पर सैटरडे के लिए SAT लिखा है 3 लेटर्स में। अब यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में हमने ये चेक कर लिया कि टेक्स्ट फंक्शन से हमें जो भी आउटपुट मिलेगा वो SAT के बराबर है या नहीं। अगर वो SAT के बराबर हुआ तो हमें टेक्स्ट फंक्शन से लेकर SAT तक ट्रू आउटपुट मिलेगा। लेकिन अगर टेक्स्ट फंक्शन से हमें SAT आउटपुट नहीं मिला
तो हमें यहाँ पर फॉल्स आउटपुट मिलेगा। अब क्योंकि हमें टेक्स्ट फंक्शन से संडे के लिए SUN मिला है जो कि SAT के बराबर नहीं है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर फॉल्स आउटपुट मिलेगा। मैं आपको इसे एक बार इवेल्युएट करके दिखाता हूँ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें फॉल्स आउटपुट मिला। बिल्कुल इसी तरह से आपको और फंक्शन के लॉजिकल टू आर्ग्यूमेंट में संडे के लिए बिल्कुल इसी तरह से कंडीशन लगानी है। तो मैं यहाँ पर फिर से फटाफट से यही सेम टेक्स्ट फंक्शन टाइप करता हूँ इस तरह से, और अब की बार में टेक्स्ट फंक्शन के बाद इक्वल्स टू में डबल इन्वर्टेड कॉमा में संडे के लिए SUN टाइप करता हूँ इस तरह से। इसी के साथ मैं आपको इस पूरी कंडीशन को एक बार इवेल्युएट करके भी दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अब की बार इसने हमें यहाँ पर ट्रू आउटपुट दिया, क्योंकि इस डेट पर हमें टेक्स्ट फंक्शन से SUN ही मिला है, इसलिए हमें यहाँ पर ट्रू आउटपुट मिला। और अब मैं और फंक्शन का भी ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर। तो आप देख सकते हैं कि और फंक्शन ने हमें ट्रू आउटपुट दिया, क्योंकि हमने अंदर जो भी दो कंडीशंस पास की थी उनमें से एक कंडीशन ट्रू है। और आपको पता है कि और फंक्शन सिर्फ एक ही कंडीशन में फॉल्स आउटपुट देता है। जब उसके अंदर जितनी भी कंडीशंस पास की गई होती हैं वो सारी की सारी कंडीशंस फॉल्स होती हैं। अब मैं आपको इसे एक बार इन सभी डेट्स के लिए कॉपी करके दिखाता हूँ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर इसको किसी भी डेट पर संडे या फिर सैटरडे मिला, वहाँ वहाँ पर इस फंक्शन ने हमें ट्रू आउटपुट दिया, और जहाँ जहाँ पर संडे या फिर सैटरडे में से कुछ भी नहीं है इस फंक्शन ने हमें वहाँ पर फॉल्स आउटपुट दिया। लेकिन अभी हम इस फॉर्मूले को सीधे ही कॉपी करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में पेश नहीं कर सकते। रीजन ये है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में किसी भी फॉर्मूले को पेश करते हुए आपको सेल रेफरेंस के कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए। मैं बस इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ पर A3 है ना, उसमें A के आगे डॉलर साइन लगा देता हूँ जिससे कि A कॉलम फिक्स हो जाए। मैंने A3 सेल रेफरेंस को इन्हीं दोनों टेक्स्ट फंक्शन में दो बार यूज किया था, तो मैं इन्हीं दोनों के आगे डॉलर साइन लगा देता हूँ इस तरह से। अब आपको पता है कि मैंने रोज को फिक्स क्यों नहीं किया, क्योंकि हम ये तो चाहते हैं ना कि A कॉलम के अंदर इन सभी डेट्स को डिफरेंट रोज में जाकर ये फंक्शन चेक करे। अगर हम रो नंबर को भी फिक्स कर देंगे तो ये फंक्शन बार बार सिर्फ A3 सेल को ही चेक करेगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें तो ये चाहिए कि ये फंक्शन A कॉलम में ही इन सभी डेट्स में जाकर बारी बारी से इनको चेक करे कि किस किस डेट पर संडे या फिर सैटरडे है। अब बस हमारा ये फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है और हम इसे कॉपी करने के लिए तैयार हैं। तो मैं इस पूरे फॉर्मूले को सिलेक्ट करके कॉपी करता हूँ इस तरह से। दोस्तों अब आपको इतना तो पता ही होगा कि जिस तरह से हमने इस फॉर्मूले को कॉपी करके इन सभी डेट्स के लिए अप्लाई किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम तो सिलेक्शन के बेस पर हाईलाइट करते हैं ना, तो उसमें सिलेक्शन का मतलब ही होता है कि हम इस फॉर्मूले को सिलेक्टेड एरिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं इन सभी डेट्स को सबसे पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से। तो चलिए हम चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरफ और हमारे इस अद्भुत फॉर्मूले का रिजल्ट देख लेते हैं। इसके लिए मैं होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो न्यू रूल्स है ना, इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा जिसका नाम है यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको उसी फॉर्मूले को पेस्ट कर देना है जो अभी हमने कॉपी किया था इस तरह से। अब जिन जिन सेल्स पर आपको सैटरडे या फिर संडे मिलेगा, आपको उन सेल्स पर कौन सी फॉर्मेटिंग करनी है, उसके लिए आप यहाँ पर ये जो फॉर्मेट ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको सेल्स को कलर करने के लिए फिल टैब पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप जो कलर चाहते हैं वो कलर उसको दे दीजिए। मैं मान लीजिए यहाँ पर इसको रेड कलर देना चाहता हूँ, तो मैं इस रेड कलर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर ओके पर क्लिक करता हूँ। और एक बार और ओके पर क्लिक कीजिए तो आप देख सकते हैं कि जिन जिन सेल्स पर सैटरडे या फिर संडे है वो सभी सेल्स रेड कलर की हो चुकी हैं। दोस्तों मैं अपनी वीडियोस में जो भी कॉन्सेप्ट्स यूज करता हूँ उनसे रिलेटेड वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन को भी चेक जरूर कर ले करें, आपके कुछ डाउट्स तो वहीं से क्लियर हो जाएंगे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। बस इसी तरह से आप भी मुझे भी प्लीज सपोर्ट कीजिए। दोस्तों आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरत है, आपके सपोर्ट से ही आज हमारे 6000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस। बस आप जल्दी से 7000 भी करवा दीजिए। इसके लिए आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।